राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है तो इसके ये मायने नहीं लगाना चाहिए कि कृषि कानून में कोई गलती है। ये एक ही राज्य का मसला है, ये पूरे देश का मसला है। कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट सरकार लेकर आई है कृषि कानून में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एक प्रावधान बता दीजिए जो किसान विरोधी हो। किसानों को बरगलाया जा रहा है। दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। आगे कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि तीनों नए कृषि कानूनों को काला कानून बताया जा रहा है, लेकिन उन कानूनों में काला क्या है ये भी कोई जरा बता दे। हमने किसानों के साथ 12 बार बात की, कृषि मंत्री पंजाब के कानून का भी इस दौरान जिक्र करते नजर आए। मंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है।